हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने आरपीएफ कॉन्स्टेबल का फॉर्म फिलअप किया है दोस्तों, जिसमें आपके लिए अलग से ट्रेडमैन की वैकेंसीज आई हुई थी फ्रेंड्स, उनके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं। आज दोस्तों आपने सही सुना, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। दोस्तों, आपका अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है दोस्तों। गूगल पे आके यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है sarkaririzalt.com। आपको गाइस ये साइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो मैं साइट ओपन कर रहा हूँ। जो फ्रेंड्स, आप ये साइट ओपन कर लेते हैं, आप दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे sarkaririzalt.com। दोस्तों, ये गवर्नमेंट साइट है, ठीक है। आपको इस साइट पे आ जाना है और फ्रेंड्स आप देखिए एडमिट कार्ड आपको दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, आरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड मैन एडमिट कार्ड 2019। आपको दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर ले रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंड्स आपके सामने कुछ नया ऑप्शन आ जाएगा। और फ्रेंड्स नीचे आ जाइए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल के बारे में। अगर आपको दोस्तों नहीं पता हो तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा साइट पे आके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपका। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रुप मिल जाएंगे दोस्तों, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, ठीक है दोस्तों। आपको फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप डी, आपने जोन से फॉर्म फिलअप किया था दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने ग्रुप डी से ज्वाइन मतलब वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था ग्रुप डी जोन से, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर नंबर आपसे मांगा गया है, डी ओ बी मांगी गई है। तो फ्रेंड्स आप तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर भर देते हैं। इतना भरने के बाद दोस्तों आप नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ, आपको दोस्तों यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट कॉल लेटर, मॉक टेस्ट। दोस्तों अगर आपको इसके लिए मॉक टेस्ट लगाना है, आपको फ्रेंड्स चेक करना है आपका पेपर किस हिसाब से आएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जी देखिए बैक, यहाँ पे जो बीच में ऑप्शन मिल रहा है आपको प्रिंट कॉल लेटर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अपना नाम आप चेक कर लीजिएगा, रजिस्टर नंबर चेक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका जो शिफ्ट दी मिलेगी आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स आपका जो सेंटर, आपको जो आपका सेंटर जहाँ पे आपका एग्जाम होना है वो आपके रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, आप जहाँ पे आपका एग्जाम होना है वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए। दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा, अपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच।